एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड। बेसिकली ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिसमें जो हाइड्रोजन, जिससे हम बेसिसिटी नापते हैं, वो वाली हाइड्रोजन हटती है जो ऑक्सीजन से लिंक होती है, ऑक्सीजन से अटैच होती है। तो ऐसे एसिड ऑक्सी एसिड कहते हैं, जैसे HClO, HClO 2, 3, 4, या यहाँ हमें फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड पढ़ने। इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, जो मेनली हम HNO2 और HNO3 देखते थे। उसके अलावा एक H2N2O2 भी NCERT में समथिंग है, लेकिन यहाँ पे अब हम फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था ऑक्सी एसिड में, पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि किसी एक वैलेंसी को अस कहते हैं, एक को इक कहते हैं। तो फॉस्फोरस के केस में अस और इक में +3 और +5 था। अगर +5 का ऑक्सी एसिड होगा तो वो इक कहलाएगा, फॉस्फोरिक, और +3 का ऑक्सी एसिड होगा तो फॉस्फोरस कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये आया था हमारा H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड हो गया था। ये आया था H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड आया था इन जनरल। सेकंड पॉइंट फिर ये आया था कि हाइपोवर्ड कब लगेगा। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर मैं H3PO2 की बात करूं तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +1 के लिए इसका नाम आ गया बच्चों, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहां अस इंपॉर्टेंट है और ये हाइपो इंपॉर्टेंट है। तो +1 वाला हाइपो फॉस्फोरस एसिड आ गया, +3 वाला दैट इज सिंपली फॉस्फोरस एसिड में आ गया बेटा, और ये फॉस्फोरिक एसिड में आया है। तो बेसिकली तीन नाम हमें क्लियर अभी हुए, अस, एक और हाइपो। इसके बाद मैंने आपको कल चौथा जो बताया था, आई होप सो आपको याद है, द वर्ड प्रीफिक्स कॉल्ड एज मेटा, कि अगर एक मोल एसिड ले लें और उसके अंदर से एक मोल वाटर अलग कर दें, एक मोल एसिड से एक मोल वाटर अलग करेंगे और बाद में बनने वाला भी अगर एसिड है, उसमें भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो वो भी एसिड के नाम में जोड़ा जाता है या उसके नाम में भी एसिड लिखते हैं। तो अगर इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड था तो बच्चों इसका नाम मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में MPA लिख दिया है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटा भी हमने कल डिस्कस किया था, आई होप सो आपको याद हो, वन मोल एसिड इलिमिनेट one mole of water and give again acid, then meta prefix is written and it is termed as metaphosphoric acid. So, जो इसका नाम है वही इसका नाम है, बस meta लगा देंगे। Next, कल हम इस पे आ गए थे, अगर H3PO4 के दो moles ले लें और इसके दो mole में से एक mole water अलग करें, तो यहाँ 3 to 6 hydrogen है, दो निकलने के बाद 4 बची, phosphorus 2 है और ऑक्सीजन 8 है, एक निकल गया और 7 बची। कहने का मतलब दो मोल एसिड में से एक मोल वाटर अगर अलग करेंगे तो जो प्रोजेनी बनेगा, दो मोल हमने इसके लिए हैं, ठीक है, दो मोल मतलब ऑब्वियसली मॉलिक्यूल ही हैं, वो तो जस्ट नंबर्स में हम मोल्स कहते हैं, और ये वन मोल उनमें से अलग कर देंगे तो दो मोल से एक मोल निकलेगा। तो ऑब्वियसली अगर बनने वाला एसिड है तो हम यहां का प्रीफिक्स पाइरो लगा सकते हैं, तो ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा। ऑब्वियसली ये फॉस्फोरिक एसिड ही था, या पेरेंट को जनरली ऑर्थो भी कह देते हैं, तो ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, और बनने वाले का नाम पाइरो। बट अगेन रिमेम्बर दैट पाइरो हम तभी लगाएंगे जब वहां पे एसिड बन रहा हो, दो मोल में से एक मोल वाटर निकाला है, बनने वाला एसिड है तो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। तो अभी तक के तीन वर्ड हमारे जो हुए हैं, वो एक वर्ड हुआ अस एसिड कब लगाना है, एक है एक कब लगाना है, यहां के लिए तो फिक्स है, और बेटा ये हर उसके लिए अलग अलग है। आई मीन टू से जैसे टिन आएगा तो टिन में +2 and +4 होगा, नाइट्रोजन फैमिली में +3 और +5 है, सल्फर फैमिली में +4 और +6 है, तो सब में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और एक वर्ड अभी हमने देखा यहां हाइपो कब लगाना है, कैसे लगाना है,
एक वर्ड हमने देखा यहाँ मेटा कैसे लगाना है और पायरो कैसे लगाना है। तो पहले अभी हमने चार पांच वर्ड देखे हैं, जिसे मैंने अभी सर्किल भी कर दिया है। इन पांच वर्ड को आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है, ठीक है। पूछो बेटा आयुषी, क्या सॉरी लोकप्रिय क्या पूछ रहे हो? सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने की वजह से मेटा और पायरो लगाया है। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चेंज हुआ? सर फास्फोरिक एसिड में। हाँ बोलो, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। सर दोनों में सेम था इसीलिए लगाया है ये। मैं समझा नहीं अभी आपका क्वेश्चन। एक्चुअली जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे थे शायद। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जब भी पांच होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर पांच है तो पांच वाला तो एक कहलाता ही है, तो वो तो है ही एक। तो यहां देखा इसमें भी पांच था ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें भी पांच था, तो दोनों का नाम फॉस्फोरिक होगा, यहां भी पूरा फॉस्फोरिक होगा। और आपस में रिलेशन देख लिया, क्या कोई रिलेशन बन रहा है? तो ये देखा कि इसमें से एक वाटर कम कर दें तो ये बन जाता है, और जब भी एक वाटर कम करने पर प्रोजेनी बनेगा, तो जो प्रोजेनी या जो बाद में बना है उसके नाम से पहले हम मेटा लगाएंगे। लेकिन ये भी एसिड होना चाहिए, इसमें भी रिप्लेसिबल एच होना चाहिए। और अगर एच नहीं होगा तो कल शायद डिस्कस किया था आप ही के बैच में शायद, कि यहाँ पे हम तब हम एनहाइड्राइड कहते हैं या फिर और कोई वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है सर? तो जो फास्फोरस था उसमें पायरो क्यों लगाया, उसमें मेटा क्यों नहीं लगाया? बेटा आप क्या सुनते नहीं हो? ये देखो यहाँ क्या कहा है, अगर दो मोल में एक मोल वाटर हटाएंगे तो प्रिफिक्स पायरो लगाएंगे। मैंने इसीलिए सर्किल करके दोबारा भी बोला था कि अगर प्लस थ्री के, मैं शुरू से बोल रहा हूं आप सारी बातें, प्लस थ्री वाले को अस, प्लस फाइव वाले को एक, अगर प्लस थ्री से या कहीं पे भी और नीचे आ जाता है, जिस भी वैल्यू से कम हो जाता है, हाइपो लग सकता है। और हाइपो के बाद हमने ये मेटा बताया था, वन मोल एसिड से वन मोल वाटर निकला तो वन से वन जब निकलेगा तो मेटा, टू मोल एसिड से वन मोल वाटर निकलेगा तो पायरो। अब क्लियर है? ओके सर। पूरा सुना भी करिए ना, ये थोड़ी अगर आपने हैंड रेस कर दिया तो उसके बाद हम सुनना बंद कर देंगे। अगर आपने हैंड रेस किया तो मैं कोशिश ये करता हूं उससे पहले दोबारा से पूरी बातें एक बार फिर बता दूं, जिससे कोई बच्चा ये ना कह पाए कि एक बार फिर बता दो, पहले ही मैं बताने की कोशिश करता हूं। मान्या बेटा पूछिए आप। सर यही पूछना था जो लोग थी, हैंड डाउन करो ना फिर, अगर हो गया तो खत्म बात, हैंड डाउन करिए जल्दी से। चलिए और किसी बच्चे ने कोई सवाल, एनी अदर? ठीक है, पांच वर्ड अभी क्लियर हुए। अभी इसमें काफी कुछ पढ़ना है बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी तो हमारा बेसिक खाली नाम थोड़े बहुत क्लियर हुए, इसमें तो बहुत कुछ है अभी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। थैंक यू बेटा। अब बच्चे सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए, सबसे ज्यादा। बच्चों ये है फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस से ऑक्सी एसिड बनाना है। ये बात नोट कर लीजिए, सारे ऑक्सी एसिड में एक कॉमन चीज मिली है। क्या कॉमन मिला है? कि यहां डबल बॉन्ड से एक ओ हमेशा होगा ही होगा, पी ओ डबल बॉन्ड ओ होना ही होना है। ऑल ऑक्सी एसिड हैव दिस कॉमन, या ये कहिए ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, और मैंने जितने क्वेश्चन अभी देखे या जितने हैं उन सब में से पॉइंट आया है। तो अगर ये दिमाग में रहेगा तो इजी रहेगा, हर ऑक्सी एसिड में एक डबल बॉन्ड ओ होता ही होता है। और अगर ये ऑक्सी एसिड कहलाने लायक है तो ये भी होगा ही होगा, OH ग्रुप। अरे भाई ऑक्सी एसिड कहते ही तब हैं जब O से लगा हुआ H अलग हो। तो जरा ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑक्सी एसिड में एक ये लिंकेज और एक ये लिंकेज होनी ही होनी है, एक P डबल बॉन्ड O और एक P से OH रखना ही रखना है, ये दिमाग में रखेंगे और बाकी चीजों को कॉमन सेंस या वो नॉलेज के हिसाब से आप अरेंज करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला हम ऑब्वियसली ऐसा एग्जाम्पल लें जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, इजी भी लगे। ये है बेटा इजीएस्ट H3PO4। H3PO4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रहा फास्फोरस, ये रहा डबल बॉन्ड O, तो फास्फोरस निपट गया, एक O भी निपट गया। अब तीन O बचे हैं और तीन H बचे हैं, चुपचाप तीन O और तीन H को ऐसे लगा दीजिए, और तीन O और तीन H ऐसे लगेंगे तो ये बन गया H3PO4। तो H3PO4 में तो होपफुली किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैं दोबारा बनाऊंगा।
कि H3PO4 मैंने कैसे बनाया है। ये चीज फिर दिमाग में रखनी है कि ये रखा मैंने, पहले नाम लिख लिया H3PO4, फिर मैंने दिमाग में ये रख लिया कि मुझे एक P से डबल बॉन्ड O और P से एक OH तो दिखाना ही दिखाना है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो चलिए पहले P से डबल बॉन्ड O को मैंने यहां लगा दिया। अब तीन यहां P निपट गया, एक O निपट गया, तीन H बचे हैं और तीन O भी बचे हैं और OH ही लगाना है मुझे, तो तीन OH मैंने ऐसे लगा दिए। ऑब्वियसली वैलेंसी भी सेटिस्फाई है, एवरीथिंग ओके, H3PO4 इजी था, सिंपल था, जनरल था, आ गया आंसर। H3PO4 में किसी बच्चे को दिक्कत है तो पहले पूछ लो, आई होप सो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत शुरू होगी, ये है H3PO3, ओके। अब H3PO3 का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों H3PO3 में ये रहा P से डबल बॉन्ड O, ये तो बनाना ही बनाना है। अब जब आपने P से डबल बॉन्ड O बना दिया है तो अब बचा क्या, अब आपके पास बचा क्या है, अब आपके पास ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है, और क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन 2 है तो आप 2 OH तो लगा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 3 है तो एक H सिंपली ऐसे लगेगा। तो आपको याद रखना है H3PO3 के स्ट्रक्चर में, ये H3PO3 है भैया, H3PO3 के स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 OH हैं, यानी इसकी बेसिसिटी 2 है, जबकि H3PO4 की बेसिसिटी 3 थी। अगेन फिर से देखते हैं, एक बार फिर ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैंने लिखा है बेटा, दिस वन इज H3PO3। अगर मैंने H3PO3 लिखा है तो ये रहा P, P से डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O होना जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। और अब इसके बाद फास्फोरस से मुझे तीन H लगाने हैं और ऑब्वियसली एक O, सॉरी दो O लगाने हैं, तीन H हैं, दो O हैं, दो O हैं तो सीधा मैंने दो OH लगा दिए, और तीन H कहे थे तो भैया दो OH लग गए। ये गलती ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसका बनाने लगते हैं जो कि वैलेंसी रूल से सही लगेगा, लेकिन ये गलत है। काहे गलत है, कहने के लिए ऑक्सीजन की सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन की सेटिस्फाई है, फास्फोरस की सेटिस्फाई है, एवरीथिंग इज ओके, बहुत बढ़िया। बट जब H3PO3 का प्रैक्टिकल किए गए, इक्विवेलेंट निकाले गए, आई होप सो वर्ड सुना हो, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, आई मीन टू सो एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एक्सपेरिमेंट में जो इसकी बेसिसिटी आ रही थी वो आ रही थी 2, और अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिसिटी है 2, मतलब यहां से सिर्फ 2 H हट सकते हैं, 2 H ऑक्सीजन से लगे हैं वही हटेंगे, तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। तो क्वेश्चन है हमारे बुक में भी कि why H3PO3 do not have this structure or basicity 3, तो हम सीधा कहते हैं इन एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट इट्स बेसिसिटी इज 2, देयरफॉर दिस वन इज द स्ट्रक्चर। एक रीजन तो ये देते हैं। दूसरा एक और रीजन दिया जाता है वो ये एनसीईआरटी में अभी आपको दिखाऊंगा अभी, कि पी और एच के बीच में जितने बॉन्ड होंगे या पी और एच लिंकेज जब भी होगी तो वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर H3PO3 का ये स्ट्रक्चर होता then it can't act as a good reducing agent, जबकि H3PO3 एक reducing agent है, I mean to say इसमें pH linkage का proof है। तो ध्यान क्या रखना है, H3PO3 के इस structure में 2 OH linkage हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये एक और ये दो, और इसलिए इसकी basicity 2 है, its basicity is 2, बेटा इसकी basicity 3 नहीं है, 2 है, ये याद रखिएगा, इट्स बेसिसिटी इज 2। नाउ अगर इसी में, इसी कड़ी में एक और जोड़ दें, दैट इज H3PO2, ये एक और नट की है भैया, H3PO2, आई होप तो समझ में आया हो क्या कि फास्फोरस से ऑक्सीजन तो लगानी लगानी है। अब फास्फोरस निपट गए हो, एक ऑक्सीजन में निपट गए हो, अब ऑक्सीजन बची है एक और हाइड्रोजन बचे हैं 3, ऑक्सीजन है एक और हाइड्रोजन है 3, तो ये लगा दी भैया एक ऑक्सीजन वाली हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन ये रहे, और क्योंकि यहां दो हाइड्रोजन ये हैं, इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू दीज 2 हाइड्रोजन।
और क्योंकि इसमें एक OH लिंकेज है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया है, इसकी बेसिसिटी 1 का है। ठीक है, तो बेसिसिटी 1 का मतलब क्या होता है, ये किसी भी बेस से जब रिएक्ट करेगा तो ये कितने H लूज कर सकता है, वो होती है बेसिसिटी। तो ये जब किसी बेस से रिएक्ट करेगा, मान लीजिए ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो क्योंकि हमारे कोर्स में इसलिए मैंने सोडियम बोला है कि सोडियम की रिएक्शन जब H3PO2 से करते हैं, आई होप सो याद आ गया हो, NaH2PO2 बनता है। अरे भाई वही रिएक्शन है ना, P4+NaOH, तो उसमें आखिरी में ये वाला कंपाउंड बनाया था। फिलहाल यहां सिर्फ एक ही H हट पाता है, बाकी H नहीं हट पाते हैं, इससे बेसिसिटी प्रूफ हो रही है। ओके, नाउ फिर से लिख देते हैं, ठीक है, बच्चों को एक बार फिर लिख के बता देते हैं क्या क्या। अभी तक हमने सिर्फ 3 वर्ड बोले हैं, एक H3PO2, एक H3PO3 और एक H3PO4। ठीक है, अभी यही 3 बोले हैं, फिर 3 और लिखते हैं एक एक करके। H3PO2 के स्ट्रक्चर को क्या कहा है, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। यहां ये है, एक OH है, बाकी 2 H है, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। इसमें एक डबल बॉन्ड O है, 2 OH है और 1 H है। ठीक है, 2 OH है और 1 H है। ओके, एंड यहां एक डबल बॉन्ड O और तीनों तरफ OH है। और अब बाकी चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सामने लिखी हुई है, मतलब किसमें कितने PO बॉन्ड है। तो आपको शायद दिख रहा हो, पहले वाले में से लेके, सॉरी तीनों में पी डबल बॉन्ड ओ एक एक, पी ओ एच कितने हैं, मतलब पी के साथ ओ एच ग्रुप कितने हैं, यहां 3 ओ एच है, यहां 2 ओ एच है, यहां 1 है। इट इज बेसिकली बेसिसिटी। रिड्यूसिंग किस कैरेक्टर किसका ज्यादा, ये एनसीईआरटी में भी अलग से ही दे रखा है और आंसर दे रखा है H3PO2 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग है और H3PO3 से और फिर H3PO4 से। कारण है जितने P और H के लिंकेज होते हैं उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है और इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा है और दैट इज बेसिकली ये H जल्दी छोड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है, ये H छोड़ेगा यानी इसका ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, सही बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा है। बेसिसिटी की भी बात बोल देते हैं, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ठीक है, पिछले बैच में मैंने एक बैच में ये बता दिया था बच्चों को कि बेटा याद करने के लिए क्या कर लो, बस याद करने के लिए, मतलब खुल के कहा था याद करने के लिए, इन तीनों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने ऑक्सीजन दिए हो उससे एक कम बेसिसिटी, याद कर लो भाई। मतलब एज इन जनरल मैंने उनसे कह दिया था कि भाई यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो बेसिसिटी 1, ऑक्सीजन 3 है बेसिसिटी 2, 4 है 3, ठीक है। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, जल्दबाजी कर दी, उन्होंने इतना याद रखा ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन से कम, एक कम बेसिसिटी। अरे भैया पूरी केमिस्ट्री के लिए थोड़ी कहा, इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो, जब H3PO2 PO3 PO4 का फेस आए तब के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन आया H2SO4, अब इससे ज्यादा घटिया क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन क्या आएगा, एकदम चूरन चटनी क्वेश्चन, फिर भी गलत हो गया बेचारों का और गलती के पीछे दोषी हम ठहरा दिए गए। क्यों, बोला गया तुमने पढ़ाया तो तुम ही तो पढ़ाए थे, 4 में से एक कम कर दो 3। अब यहां हाइड्रोजन है 2, बेसिसिटी तुम कह रहे हो 3, तो ऑब्वियसली ये बात तो गलत है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, आपको शॉर्टकट अगर कहीं लगाएं तो सोच समझ के लगाएं ज्यादा अच्छा है। ये ग्रुप डिसाइड करता है या ये वाले H जितने होंगे वो किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो रिप्लेसेबल H होंगे वो बेसिसिटी है। तो यहां तीनों में 1, 2 और 3 बेसिसिटी। तो अब पहले 3 ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर नाम ये क्लियर है, H3PO2 PO3 PO4। H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इट इज फॉस्फोरस एसिड, इट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, वेरी गुड, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अच्छा बस डाउट वाले पूछ लो, अगर इन तीनों में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लीजिए क्योंकि मुझे अभी 3-4 और बताने हैं ना, इसलिए कह रहा हूं नहीं पूछना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं H4P2O7, H4P2O6, H4P2O5। एक बच्चे ने क्या है, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, अभी मैं 3 बार ही बोल चुका हूं
बेसिसिटी का मतलब होता है रिप्लेसेबल एच, कितने हाइड्रोजन हट सकते हैं जब किसी बेस से रिएक्ट करते हैं। उल्टे वर्ड है भैया, ये थोड़ा ध्यान रखना, एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है, बेस की एसिडिटी निकाली जाती है। तो जो भी कोई एसिड होता है, जैसे ये लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें भले ही एच दो है, इससे मतलब नहीं होता, इनिशियली हमने Na से रिएक्ट किया और ये NaHSO4 बना, दोबारा रिएक्शन होके Na2SO4 बन गया, तो बेटा यहां से भी यहां से यहां तक आते समय एक H निकला, फिर एक और H निकल गया, दैट मींस दो H निकल सकते हैं जब भी ये रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसकी बेसिसिटी दो है, NaOH से कर देते तो जब भी किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो वहां से पता लगता है बेसिसिटी कितनी है। क्लियर है, मतलब रिप्लेसेबल H। और कोई डाउट नहीं है। चलिए अब चौथा देख रहे हैं, H4P2O7, इजी से स्टार्ट करते हैं वहां पे भी। ये है बेटा H4P2O7, अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, जो मैंने आपसे पहले कहा है वही चीज आप फिर से रिपीट करिए, P डबल बॉन्ड O दो बना लिए क्योंकि यहां P2 है, तो दो ऑक्सीजन तो यहां निपट गई। अब ऑक्सीजन कितनी बची है, साथ में दो गई पांच, एक ऑक्सीजन अगर बीच में शेयर कर दें तो बेटा ये स्ट्रक्चर देखिए क्या H4P2O7 का आपको दिख रहा है, यहां चार H मैंने किनारे लगा दिए हैं, दो फॉस्फोरस हैं और बाकी सात ऑक्सीजन जो मुझे दिख रहे हैं, तीन तीन छह एक बीच में सात। बुक वाले इसी को थोड़ा ट्राइंगल शेप में दिखा देंगे, अगर मैं बुक के हिसाब से देखूं, अगर मैं बुक के हिसाब से बनाऊं तो बुक वाले क्या करते हैं, इस पी को बनाया और इससे टेट्राहेड्रल की तरह जोड़ते हैं, टेट्राहेड्रल जैसे होता है, ठीक है। तो बुकिश लैंग्वेज में ये ऐसे दिखाया जाएगा, तो बात वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा H4P2O7, नाम लिखना पहले बताया जा चुका है, स्ट्रक्चर अब आपके सामने है, चार OH ग्रुप दिख रहे हैं तो बेसिसिटी चार हो गई। अगर यहां कोई कहे पीओपी लिंकेज है, यस है, पीओपी बॉन्ड है, तो एक पीओपी लिंकेज भी है, बेसिसिटी चार है क्योंकि चार एच हट सकते हैं, जनरली हम स्ट्रक्चर से ही बेसिसिटी बताते हैं, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो चार बेसिसिटी है और पीओपी लिंकेज है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी में हो जाता बच्चों H4P2O6, तो H4P2O6 में ये गायब हो जाता है, और अगर ये गायब हो गया तो ये जोड़ दो, तो H4P2O6 जो है वो अगर आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को आप देखें, अगर निकालना आता हो 6 × 2 = 12, 4 × 8, 8 × 2 = 4, तो इसका नाम क्या आएगा, तो बेटा इसका नाम आएगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक क्या था, पांच, फॉस्फोरिक के नीचे फॉस्फोरस तीन था, तो फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक के बीच में है, तो ज्यादा बढ़िया है इसे हाइपो लिख के अगर कहें तो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये एक एसिड से कम है तो हाइपो फॉस्फोरिक कह सकते हैं। एक आध बुक ने इसे दैट इज हाइपर फॉस्फोरस एसिड करके लिखा था, लेकिन गलत माना जाएगा क्योंकि अभी आगे और चीजें पॉसिबल हैं, इसलिए। तो ये है H4P2O6, ठीक है, इसमें भी बेसिसिटी वही दिख रही है आपको, चार, ये बेसिसिटी चार है, ओके। जस्ट अ सेकेंड है, एक बारी मैं एनसीईआरटी को भी ओपन कर लूं, ये रहा, ठीक है बेटा। ये देखिए पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वन है, और यहां पे बेसिसिटी ना कहकर नंबर ऑफ बॉन्ड दिखा दिए हैं। अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो अब आपको शायद ज्यादा अच्छा दिख जाए, क्लियर, एक सेकेंड ना, अब आपको शायद दिख जाए, एक पीओएच है, दो पीएच है और एक पी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये था H3PO2 में, फिर आ गया H3PO3 और HP3PO3 में इन्होंने ऐसे दे रखा है, और ज्यादा बेटर है इसको बेटा, ज्यादा बेटर है
मैं इसको आपको स्ट्रक्चर ही यहां दिखाऊं। आई होप सो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो। सबसे पहला है H3PO4, जिसे इन्होंने ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड कहा है। तो ये P से डबल बॉन्ड O है और तीन OH है। फिर इन्होंने H4P2O7 कहा है। H4P2O7 जो अभी हमने बनाया था, चार OH लगे हैं और ये है। नेक्स्ट इज H3PO3। अगर आपको याद आ गया हो तो ये H3PO3 मैंने H3PO4 से पहले बनाया था। और इसमें ध्यान से देखिए, एक इन्होंने जो H है ये ऑरेंज कलर से दिखाया है। तो बेसिकली ये वाला H pH लिंकेज दिखा रहा है, यहाँ O नहीं है ये बताना चाहते हैं। यहाँ OH दो है, दो OH है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई और pH की वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर का है। एक है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसे H3PO2 कहा है। आई होप सो याद आ गया होगा, H3PO2 में एक ही OH लिंकेज होती है। अब इसके बाद इन्होंने दो और दिखाए हैं, एक साइक्लो में दिखाया है, एक पॉली में दिखाया है। ठीक है, ये दोनों ही फॉस्फोरिक एसिड के, एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर हैं। इन्होंने यही दो दिखाए। अच्छा, ये वर्ड और पहले मैं दिखा दूं आपको, ये वाला वर्ड है, यहां पे लिखा है द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो ये अभी मैं आपको दोबारा कई बार याद दिलाऊंगा। ठीक है, वो एसिड, द एसिड विच हैज पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। और इसी बात के हिसाब से इन्होंने बना लिया है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एज इट कंटेन टू पीएच बॉन्ड। ठीक है, और ये इक्वेशन दिखाई है इन्होंने, हाइपोफॉस्फोरस एसिड AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे सिल्वर बना के रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये पीएच बॉन्ड जो होते हैं नॉन आयनाइजेबल होते हैं, मतलब ये एच आयन नहीं देते, इसलिए इनका कोई रोल नहीं है बेसिसिटी में। दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी। Only those hydrogen atoms which are attached with oxygen in pOH form are ionizable and causes the basicity. So basicity में बेटा कौन take part करेंगे, जो O के साथ जुड़े हो। And thus H3PO3, H3PO4 are dibasic and tribasic respectively. अभी आपको दिखाया था H3PO3 में दो OH थे, H3PO4 में तीन थे, तो dibasic, tribasic थे। ये structure से clear करना है। ठीक है बच्चों, एक और पॉइंट बस यहां पे देख लेते हैं, लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है वो भी, एक और ये रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली होते हैं, ऑल दीज कंटेन एटलीस्ट वन पीओ बॉन्ड एंड वन पीओएच बॉन्ड, सब में एक पीओ और एक पीओएच होगा। ठीक है, द ऑक्सी एसिड इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन इन एडिशन टू POH, ठीक है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन है तो PP बॉन्ड या और भी बॉन्ड हो सकते हैं। बस अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बहुत बारी रिएक्शन आई है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या है, H3PO3 जो होती है ये एक अनस्टेबल है। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये +3 वाला फॉस्फोरस का एसिड है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है हीट करने पे। तो यहां हीटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, हीट करने पे फॉस्फोरिक एसिड जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और फॉस्फीन जिसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये वाला पॉइंट बहुत बारी पूछा है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड और इसमें चला जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ पहले इतने में कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। ये दो वर्ड में आपको और लिख देता हूं, कौन से दो वर्ड लिखने हैं भाई। एक वर्ड लिखना है कि अगर H3PO3 है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है हीट करने पे H3PO4 और PH3 पे। तो ये वाला एक तो ये इंपॉर्टेंट छूट गया था। दूसरा हमारे वो साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर जो थे वो बताने हैं। ठीक है, साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में क्या था बेटा, ये है HPO3, ये ट्राइमर में एग्जिस्ट कर सकता है, होल थ्राइस में। ठीक है, ये होल थ्राइस में एग्जिस्ट करके ट्राइमर बना सकता है। तो अब स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए आसान है वैसे तो। चलिए एक बार सोच लीजिए कैसे, ये है फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस से तीन वैलेंसी मैंने ऐसे दिखा दी। ठीक है, एक वैलेंसी पे मैंने दिखाया है इसका डबल बॉन्ड O,
यहाँ OH और फिर ये भी डबल बॉन्ड O, ये मेरा HPO3 का स्ट्रक्चर दिखाया है, दो डबल बॉन्ड O हैं ये। अब ये आया बेटा दूसरा, ठीक है थोड़ा ऊपर करके बना लेते हैं, एक मिनट, ठीक है बच्चों। और हमें ध्यान क्या रखना है कि हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपका ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है अभी बना के देखते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रक्चर के आसपास का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये रहा एक HPO3 और यहां पे हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया जैसा मैंने पहली बार बनाया था, ठीक है ये हमारा सेकेंड आ गया। और ये रहा मेरा तीसरा मॉलिक्यूल, इससे P ये रहा, डबल बॉन्ड O ये रहा, और ये OH है, ये डबल बॉन्ड O। चेक करिए मैंने तीन बारी H3PO3 लिखा है बेसिकली, सॉरी तीन बारी HPO3 लिखा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब होगा क्या, इन सब में ये वाला जो ऑक्सीजन है जो आगे की ओर बनाया है, ठीक है मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करके बता रहा हूं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड मैं तोड़ूंगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद प्लस माइनस चार्ज आएंगे, ये माइनस इस प्लस से, ये माइनस इस प्लस से, ये माइनस इस प्लस से जोड़ूंगा। तो चेक इट, मैं इसे फिर से कर रहा हूं, देखिए बेटा ये हटा बॉन्ड, ये हटा बॉन्ड, ये हटा, तीन पाई बॉन्ड मैंने हटाए हैं, और तीन पाई बॉन्ड हटाने के बाद ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। कहने का मतलब मेरा यही था कि ये एक ऐसी आपको रिंग दिखेगी, ठीक है ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये आपको एक हेक्सागोनल रिंग टाइप की दिखेगी। और यहाँ हर रिंग में अल्टरनेट फॉस्फोरस लगे हैं, और हर फॉस्फोरस से एक OH और एक डबल बॉन्ड O भी लगा है। नाउ एक बारी बुक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये रहा बुक का स्ट्रक्चर बच्चों, होपफुली दिख रहा हो, P के साथ डबल बॉन्ड O है, OH है, फिर O है, फिर P के साथ डबल बॉन्ड O, OH, दैट। तो ये रहा फॉस्फोरिक एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक प्राइमेरिक स्ट्रक्चर। अगर ओपन चेन बनाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगातार दो मॉलिक्यूल बनाते जाइए, वहां से वाटर निकाल के जोड़ते जाइए, वो ओपन चेन मतलब वो तो स्ट्रेट चेन जुड़ता जाएगा। ये देखिए ये था H3PO3 एक, फिर ये दूसरा तीसरा, लगातार जुड़ते जाएंगे, कुछ इलिमिनेट नहीं होगा, वो जुड़ते जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के। एनी डाउट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस? अब एक खाली पॉइंट इसमें जो आपका बचता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिड, कौन सा ऑक्सी एसिड कैसे बनता है। ठीक है बेटा, पहला था H3PO2, ये तो शायद ही किसी बच्चे को दिक्कत हो क्योंकि अभी भी लिख के दिखाया था, व्हाइट फॉस्फोरस की जब NaOH से करते हैं तो NaH2PO2 बनता है, तो व्हाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH इसमें आ गया, तो व्हाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH विल गिव यू H3PO2। अब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा, अगर आपको याद हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था और बताया था कि ऑक्सी एसिड से वाटर निकाल दें तो एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में वाटर ऐड कर दें तो ऑक्सी एसिड, मतलब P2O3 में पानी ऐड कर दो, P2O3 में जब पानी ऐड करेंगे तो H3PO3 बनेगा, तो ये वाला याद रखिएगा। ऐसे ही P4O10 या जिसे P2O5 कहते हैं उसमें अगर पानी आपने ऐड किया है तो H3PO4, हमारे कोर्स में यही तीन है, ठीक है। और अगर बाई चांस कोई कहता है H4P2O7 तो हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को हीट करने से, बाकी कभी पूछे नहीं गए हैं PCl3 plus H3PO3 ये, या फॉस्फोरस एसिड प्लस ब्रोमीन हीटेड इन सील्ड ट्यूब, ये कभी पूछे नहीं गए। ओके, और इफ यू हैव एबिलिटी आप इस दोनों को याद कर लीजिए, लेकिन जो इन जनरल मैं प्रिफर आपसे कर रहा हूं, ये और ये चार हमसे बहुत पूछे गए हैं, ये चार इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो ये चार आप प्रिपरेशन में याद करेंगे। चलिए बेटा जल्दी से बताइए ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए, लेट बी फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, गुड, कोई डाउट नहीं पूछा ना, ओके। नाउ एक बारी रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ओके। एक मिनट, बस एक सेकेंड है, आई होप सो, नो एक सेकेंड बेटा, ठीक है
नाउ ये हमारी हेडिंग है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस. इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा. हमारे ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है, ठीक है. फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंड बाई अदर एटम. इससे टेट्राहेड्रल वैलेंसी में चार एटम होगा, ठीक है. और इनके जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, दीज एसिड कंटेन एटलीस्ट एक पीओ बॉन्ड होगा और एक पीओएच बॉन्ड होगा. तो यहां एक पीओ और एक पीओएच बॉन्ड होना ही होना है. थोड़ा ध्यान से इधर भी दिमाग लगा लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है. और जो बची हुई वैलेंसी है उस पर आप हिसाब लगाएंगे कितने OH या H लगाने हैं. पहला है H3PO2 बेटा ऑक्सी एसिड, पहले का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसका एक कॉमन नाम जो एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चों, दैट इज फॉस्फोनिक एसिड है. इसमें P के साथ दो H है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसमें P के साथ एक OH है. एक OH की वजह से आपको याद रखना है बेसिसिटी 1 है और एक P डबल बॉन्ड O है. ये रहा इसका स्ट्रक्चर. यहां P के साथ एक OH, दो H, एक डबल बॉन्ड O, वो तो कॉमन ही है. तो मेन पॉइंट जो था वो एक OH है बेसिसिटी 1, दो H है इसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 है. इसकी प्रिपरेशन क्या थी, कोई भी बेस एल्कली ले लें उसमें P4 की रिएक्शन करें तो ये बनता है. ये जो बना है दिस वन, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप कर देंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस यानी किसी एसिड से या किसी से रिएक्शन तो ये आपका बनेगा दिस वन. और यही वो रिएक्शन है P4 plus NaOH, तब भी वही है फॉस्फीन गैस बनती थी, सेम प्रोसेस है, ठीक है. ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड मतलब वही H3PO3 के बारे में बात कर रहे हैं. इसको बेसिकली कॉमन भाषा में फॉस्फोनिक एसिड कहते थे, ठीक है. यहां ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है, यहां P के साथ एक H है और दो OH लिंकेज हैं. आई होप सो क्लियर है स्ट्रक्चर आपको. क्योंकि एक H है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट होगा. यहां का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और ये बनेगा कैसे, मैंने अभी आपको बताया था, इसका एनहाइड्राइड यानी P2O3 ले लो. P2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, ठीक है. और इसको वाटर से रिएक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा H3PO3. यहां तक कि कोई भी PCl3 या कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें फास्फोरस प्लस 3 में है उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो भी ये बनेगा. इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दे रखी है वो याद करनी है कि ये हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट होता है H3PO4 और PH3 में. नेक्स्ट पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, ये अभी हमने एक जनरल कहा था, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरस एसिड के हीट करो, एक मॉलिक्यूल वाटर, सॉरी दो मॉलिक्यूल हीट करें एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा, तो पायरो प्रीफिक्स लगाया जाता है. तो यहां पायरो प्रीफिक्स आएगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल एसिड में से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हट जाएगा. ओके, तो दो मॉलिक्यूल एसिड से एक मॉलिक्यूल वाटर हटाएंगे, पायरो लगाएंगे. और पायरो का मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, बट ये वाला शायद नहीं बताया, तो एक बार इसको नोटिस कर लो, याद कर लो. क्यों, क्योंकि बेटा इसमें भी नाम के लिए है H4, चार H लगे, लेकिन इसकी भी बेसिसिटी चार नहीं है, इसकी बेसिसिटी दो है. ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ एक ये OH है, ये OH है, ये दोनों H हैं. तो ध्यान रखिएगा, पाइरोफॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3 के दो मॉलिक्यूल को हीट किया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकला है और यहां का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी देख ही लिया है, प्लस 3 है. अगर पाइरोफॉस्फोरस एसिड बनाना पड़े तो क्या है, PCl3 और H3PO3 इनको रिएक्ट कर रहे हैं तो बन जाता है पाइरोफॉस्फोरस एसिड. नेक्स्ट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जो अभी मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 में होगा. तो आई होप सो याद आ गया हो. यहां H4P2O6 है, इसमें फॉस्फोरस का ये स्ट्रक्चर है, चार OH है, सिंपल है, तो बेसिसिटी चार ही रहेगी, बट द ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस 4, तो इसे हाइपो फॉस्फोरिक कहते हैं, अभी एक्सप्लेन किया था. और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी हीट करने पे दो मॉलिक्यूल्स या ये कहें H3PO3 में ये टूट जाता है, ठीक है, ये साथ में HPO3 में टूटता है. ऑन हीटिंग इट डिसोसिएट इनटू दीज टू एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, यही मेन फॉस्फोरिक है या मोस्ट स्टेबल है. तो यहां तीन OH है,
तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये बनता कैसे है, P4O10 की हाइड्रोलिसिस कर दें तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है, या किसी भी मेटल फॉस्फेट की स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कर दें तो ये वीक एसिड अलग होगा। सोचते हैं या देखने में लगता है H3PO4 बोलने में बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन ये वीक में है, स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आता। और H3PO4 जब भी आयनाइज होगा 3 H1 देगा, और बेटा 3 H1 देने की वजह से बेसिसिटी 3 है। इसके 2 मॉलिक्यूल हीट करते हैं, 1 वाटर निकलता है, तो ये बन जाता है बेटा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें भी 4 OH लिंकेज है तो बेसिसिटी इसकी 4 है, तो इट इज अ कॉमन, बेसिसिटी 4 आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। 2 मॉलिक्यूल हीट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा, बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको याद होगा पॉली मतलब लॉन्ग चेन में चलते जाए, मॉलिक्यूल जुड़ते जाए, तो वो एन टाइम्स जब जुड़ जाएगा दैट इज पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये लाइन से चलते गए, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी भी 5 है। और पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था, फॉस्फोरस एसिड ले लें और ब्रोमीन से रिएक्ट करें इन ए सील्ड ट्यूब, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, इसे नाम दिया गया है ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। और इस एसिड में एक पीएच बॉन्ड है, इसलिए इसके अंदर रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, और ये तो बेसिकली ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये H3PO2 की प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग नेचर, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ H3PO3, ये H3PO2 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पीएच बॉन्ड आयनाइज नहीं होते, POH होते हैं, ये अभी आपको बताया भी था। अब MCQ है, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं। मेटा फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस बताइए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा फॉस्फोरस का, ठीक है। एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है खाली, एंड चलिए ठीक है आपका आंसर बेटा, बाकी भी देखते हैं, 2 बच्चों का आंसर आया, बाकी खाली बैठे हुए हैं। बेटा एक एसिड का हमेशा 5 होता है, और इसलिए यहां का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। और बस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में 4 होता है, अदरवाइज 1 का 5 होता है, ऑक्सीडेशन इन पाइरोफॉस्फोरस एसिड। आई होप सो याद आ गया हो, पाइरो का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल में से 1 वाटर निकला है, अभी भी एसिड बना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ठीक है बेटा, आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेटा यहां अस एसिड लिखा है, जब अस एसिड लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, तो इसलिए यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। कई बच्चों को समझ में आ गया, पायरो का मतलब तो सिर्फ ये है 2 मॉलिक्यूल वाटर निकले हैं। नाउ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये अधिकतर का गलत हो जाता है, हाइपोफॉस्फोरिक कौन सा है, तो ये अभी आपको पढ़ाया है तो शायद गलत ना हो, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होना चाहिए तो बनता है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का 4 है, ओके। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, सॉरी इन ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस कैसे सराउंडेड है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों किसी एक, तो आई होप सो अभी आपने देखा भी है और आपको पता है कि इट इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली, ठीक है। तो ये हुआ अभी हमारा ग्रुप 15, अब ये ग्रुप 15 पूरा खत्म हो गया है, ये इसकी सिनॉप्सिस है, ये ओवरऑल आप कह सकते हैं थोड़ा इसका, ओके, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में स्लाइड्स हैं, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमारा आज का जो टॉपिक था वो ये था, इसमें कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, ओके, टाइम इज ओके। हाँ बेटा, कल से ऑफलाइन बैचेस का है, कल मैंने मॉर्निंग में 11 से 12 बच्चों को कहा है ऑफलाइन के लिए एक्सट्रीम क्लासेस जूनियर विंग में, बट क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेस एकेडमी के हैं, यहाँ पे बेटा आपका बैच पेस में ही लगेगा, जो एक्सट्रीम वाले हैं वो वहां लगेगा, दोनों बैचेस अपने अपनी ही जगह पे लगेंगे, ठीक है। और अभी मैंने कल सिर्फ कल के लिए, अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन में लय में आएगा, कल 11 बजे मॉर्निंग AM हम बुला रहे हैं, दैट इज एट एक्सट्रीम जूनियर विंग, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जो पेस कोचिंग में पढ़ते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने पेस में ही पढ़ेंगे,
ठीक है, और जो एक्सट्रीम जूनियर मतलब एक्सट्रीम में पढ़ते हैं वो एक्सट्रीम में आइएगा कल 11 बजे। यस, अब अगला पॉइंट है कि ये वाले बैच चलेंगे नहीं चलेंगे, ये एज इट इज चलेंगे, कल ये वाला बैच इसी टाइम पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉर्निंग में पढ़ाएंगे क्या, तो बेटा टॉपिक एक एक करके डिसाइड होते जाएंगे, बट हम मॉर्निंग में अपना रेगुलर टॉपिक सॉरी रेगुलर ये जो चल रहा है ये नहीं चलाएंगे। मॉर्निंग में हम एक स्पेशल टॉपिक जो शुरू से बच्चों को छूटा हुआ है वो कराएंगे, दैट इज हम पहले फिजिकल को रिवाइज भी कह लीजिए या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। पहले 5 चैप्टर जो थे ना, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स एंड सरफेस, इन 5 चैप्टर को एक एक करके चलाएंगे, जिससे वो बच्चे जिनके वो 5 चैप्टर लेट ज्वाइन किया या नहीं आए, आप में से कई हैं जो भूल भी चुके हैं, यू कैन कवर देयर, तो वो बच्चे वहां आके कवर कर सकते हैं उन 5 चैप्टर्स को। तो कल 11 बजे ये बेटा, क्योंकि 11th वाले बच्चे आने लगे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं ये 11th वालों के लिए नहीं, मैं भी 12th के लिए कह रहा हूं, ये 12th वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, और ये मैसेज फिलहाल पीएस कोचिंग वालों के लिए नहीं है। पीएस वाले बच्चे पीएस एकेडमी में ही या पीएस कोचिंग में ही पढ़ेंगे। कल आपका टाइम जो होगा, मैं अभी अतुल सर से कल डिस्कस करके आप लोगों को भी बता दूंगा, और एक बैच 11th 12th का पीएस में होगा, एक बैच 11th 12th का हमारा एक्सट्रीम में होगा, अपने अपनी जगह पे ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12th वाले बच्चे विदा ले लो, क्योंकि 11th वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं आ गए हैं। जय श्री राम, बाय बाय। 11th 1 मिनट एक और ये आया, मैंने अभी कहा पहले 5 चैप्टर में कुछ होगा, तो जब कल आओगे तो वहीं डिस्कस कर लेंगे, और नहीं तो कल नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, बाकी बच्चे जो कहेंगे उस हिसाब से हो जाएगा, अब वो तो वहां के बच्चे डिसाइड करेंगे ना, ये जरूर है फिजिकल से करेंगे, लेकिन अब वहां जो पढ़ने आएगा मैं उनके हिसाब से करूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना जो पढ़ने आए वो सारे के सारे कहें हम तो ऑर्गेनिक पढ़ने आए, और मैं कहूँ ना मैं तो सोल्यूशन पढ़ के आया मैं वही पढ़ाऊंगा, तो वो मेरी मानेंगे नहीं, भाग जाएंगे वहां से, है नहीं, फिर वो चले जाएंगे दीवारों में थोड़ी पढ़ाऊंगा। कल वहां आइए, थोड़ा पेन लीजिए,